हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बीसीएस आर्य। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ रेडमी की तरफ से आने वाली इस स्मार्ट टीवी को, जो 2021 एडिशन है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 14-15 हज़ार में कोई ऐसा स्मार्ट टीवी देख रहे हैं जिसमें आपको भरपूर फीचर आपको देखने को मिले, तो दोस्तों आज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर यहाँ पे देखना। 32 इंच के साथ आने वाला ये स्मार्ट टीवी आज इसमें अनबॉक्स यहाँ पे मैं करूँगा और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। आपके जो डाउट्स हैं इस स्मार्ट टीवी को लेकर, वो सारे डाउट्स आज के यहाँ पे वीडियो में क्लियर यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पे क्लिक करके रखिए, जिससे इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये पेयर करने के बोल रहा है अपने रिमोट को, और यहाँ पे बोल रहा है 20 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, आपको ये वाला बटन और ये वाला बटन एक साथ यहाँ पे प्रेस करना है जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आगे बोलेगा तुरंत से मैं यहाँ पे दबाऊंगा, तेन आपको यहाँ पे छोड़ देना है। और ये बीप का एक आवाज आएगा और आपका लिख के आ जाएगा कनेक्ट सक्सेसफुली। राइट का क्लिक यहाँ पे आ गया है। रीजन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना इंडिया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और देन ओके पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और आगे आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इंग्लिश इंडिया यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इंग्लिश इंडिया के बाद यहाँ पे क्विक सेटअप योर टीवी विद योर एंड्रॉइड फोन, तो फिलहाल इसके भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। नेटवर्क भी अभी मैं इसके भी यहाँ पे कर देता हूँ, आगे देखेंगे। और बाकी टर्म एंड सर्विस जो है आपके यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। पढ़ लेना आप अच्छे से क्या क्या इसमें दिया हुआ है। और एक्सेप्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गूगल की भी, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएगा, कास्ट टू योर टीवी और सारी चीजें इनबिल्ट इसमें दिया हुआ है। मेड पैचवेल इन पैचवेल बहुत लेटेस्ट वर्जन है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, कंटेंट राइट टू योर होम पेज, मतलब किस तरीके से लेआउट रखना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पैचवेल क्विक एक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि रिमोट में आपको डायरेक्टली बटन यहाँ पे दे दिया है। आपको बता रहा है एंड्रॉइड टीवी का अलग बटन यहाँ पे दिया, पैचवेल का बटन आपको अलग यहाँ पे दिया, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे एग्रीमेंट आ रहा है, जो एमआई का एग्रीमेंट है, तो उसे भी आप पढ़ लेना अच्छे से। और एग्री पे यहाँ पे मैं करता हूँ। और आगे चलने के बाद आपको फिनिश सेटिंग अप योर टीवी और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात करते हैं, आपको सबसे पहले आपको एंटीना यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टीवी एंटीना। उसके बाद आपको नेटवर्क यानी इथरनेट पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, उसमें आपको HDMI के 2 पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको AV इनपुट जो है होता है वो आपको नॉर्मल वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे 3.5 mm जैक जो हेडफोन जैक होता है, मान लीजिए आपका स्पीकर्स हैं उन्हें आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको 2.0 के 2 पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो जनरली 5 वोल्ट पे वर्क यहाँ पे करते हैं। और आपको यहाँ पे नीचे आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार मुझे देखने में काफी बढ़िया यहाँ पे लगता है, और रेडमी की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो भी आप अगर इसे कहीं आप माउंट यहाँ पे कर देंगे तो दिखना यहाँ पे बंद हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ जो यहाँ पे टेबल स्टैंड यहाँ पे आते हैं, जो टेबल पे आप ये रखना चाहें, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको
मतलब कि इतना स्टेबल भी नहीं है, स्टेबल भी है मैंने कि नॉर्मली अगर जनरली आप हिलाएंगे तो नहीं गिरेगा, लेकिन बच्चे वगैरह गिरते तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये काफ़ी मजबूत हैं जो इसके साथ यहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो 2K सीरीज़ के अंदर यहाँ पे आता है, HD रेडी है। और यहाँ पे जो हम बात करें 32 इंचज़ का, इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो यहाँ पे बताया जाता है, जो अप्रोक्स यहाँ पे आता है वो 31.49 इंचज़ के आसपास यहाँ पे रहता है, जो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे बनता है। साथ में दोस्तों इसका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे 720p है, जो 1366x768 यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों रिफ्रेश रेट की अगर बात यहाँ पे मैं करूँ तो 60 हर्ट्स का आपका रिफ्रेश रेट में देखने मिल जाता है। और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो यूज़ की गई है वो LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, और 178 डिग्री वाइड व्यू आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, जो काफ़ी इनफ है, अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप थोड़ा साइड में भी जाके बैठे हैं तो आपको 178 डिग्री का व्यू एंगल आपको देखने यहाँ पे मिलता है। इसमें आपको वीवा पिक्चर इंजन भी आपको दिया गया है, जो इनका वीवा पिक्चर इंजन आता है वो भी इसमें दिया गया है, जो आपको कलर अच्छे प्रोड्यूस करके आपको दिखाएगा, और जो आपको बेहतरीन कलर आपको देखने को मिलेंगे इस सेगमेंट में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। दोस्तों स्पीकर्स आपको 20 वोट के स्टीरियो स्पीकर इसमें आपको देखने को मिलते हैं, साथ में आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी मज़ा आपको देने वाले हैं ऑडियो के मामले में, जो आपको बिल्कुल भी इरिटेड नहीं यहाँ पे करेगा। आगे बात करें पैचवॉल 4 का, आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि लेटेस्ट आपको पैचवॉल इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में आपको IMDb का इंटीग्रेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, जो आपके रिकमेंडेशन है वो आपको अच्छे से फाइंड करने में मदद करने वाला है। साथ में आपको यूनिवर्सल सर्च का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है, वो किसी भी चैनल में आपका कोई सा भी सर्च यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आपके सामने यहाँ पे रख के दे देगा, अगर कहाँ पे है वो सारी चीज़ यूट्यूब में है या किसी और चीज़ में है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देख देगा। 75 फ्री लाइव चैनल आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, वो कुछ भी हो वो सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और यहाँ पे दे दिए, किड्स मोड का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, जो जो बच्चे होते हैं जो आपको फालतू की चीज़ें आपके सामने ना आए तो आप किड्स मोड लगाएं और बच्चों को आपको दिखा दें, जो जो ऐसी चीज़ें जो बच्चों को ना दिखनी चाहिए वो हटा के एक किड्स मोड का ऑप्शन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव इन्होंने यहाँ पे की। क्रोमकास्ट भी इन्होंने इसमें इनबिल्ट यहाँ पे दे दिया है, जो अपने फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें आप एक्सेस करना चाहें, अपने टीवी पे देखना चाहें तो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, कभी इनबिल्ट इन्होंने इस चीज़ को दे दिया तो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा है। अब दोस्तों इतने सारे फीचर्स इसमें ऐड इन्होंने कर दिए हैं, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टेबल चलाने के लिए एक चाहिए होता है हमें प्रोसेसर। तो दोस्तों प्रोसेसर इसमें एक क्वाड कोर प्रोसेसर आपको दिया है, जो 64 बिट के साथ यहाँ पे आता है, Mali-G31MP2 GPU आपको इसमें देखने को यहाँ पे मिलता है। साथ में आपको 8 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, और 1 GB की रैम इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसमें ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको डुअल बैंड वाईफाई का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो 2.4 GHz और 5 GHz के बैंड को सपोर्ट यहाँ पे करता है। अब दोस्तों मैंने रेडमी के तरफ से आने वाली इस स्मार्ट टीवी के जो 32 इंचज का है इसका मैंने फुल रिव्यू यहाँ पे कर दिया है, और साथ में दोस्तों मुझे एक सबसे बढ़िया बात इसमें यह लगी है, जो इसका रिमोट है इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन इसमें आपको दिया है, और नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का भी बटन डेडिकेटेड इसमें दिया है, जो आपको एक शॉर्टकट के तौर पर काम करेगा अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे करते हैं। और इसमें 75+ लाइव चैनल आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया है। और दोस्तों अगर 13-14 हज़ार में अगर आप कोई यहाँ पे स्मार्ट टीवी आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए ठीक रहेगा, जो ब्रांड की तरफ से आता है, रेडमी की तरफ से यहाँ पे आता है। काफ़ी मार्केट में काफ़ी और कंपनी के भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका बजट नहीं है, कॉस्टली आप नहीं लेना चाह रहे हैं और एंड्रॉइड टीवी का मज़ा उठाना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए ठीक यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इसके फीचर्स सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, अनबॉक्सिंग जो भी चीज़ें हैं, रिव्यू जो भी है मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट करना, आपका रिप्लाई सिंपल यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत यहाँ पे मैं करता हूँ तो उसका रिजल्ट तो आपको देना बनता है, और आपने फीडबैक तो देना बनता ही है। तो दीजिए फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, जिससे इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो साथ में आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।